स्वागत है आप सबका कॉमर्स कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हब में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कल को मैंने आपको मीनिंग पढ़ाया था, स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज क्या होता है, सेकंड स्टेज होती है ये आपकी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, और मैंने इसका आपको बेसिक मतलब भी कल की क्लास में समझाया था। तो जिसने कल की क्लास नहीं देखी पहले आप वही क्लास देखिएगा, उसमें मैंने आपको बताया स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज क्या होती है। तो आज मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ मेथड्स ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज। पहला मेथड होता है चेकलिस्ट मेथड, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो। और दूसरा होता है आपका आइडिया रेटिंग मेथड। तो जो पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है इसमें वो ये है कि ये किसने बनाया था, ये डेवलप किया था, ये किसने डेवलप किया था, ये डेवलप डेवलप बाय किसने किया था, ये प्रोफेसर, आई होप आपको दिख रहा हो यहाँ पे सब कुछ क्लियर है, प्रोफेसर एचआर हैमिल्टन ने किया था, हैमिल्टन ये डेवलप किया था प्रोफेसर। चेकलिस्ट मेथड में आपको पहले चेकलिस्ट मेथड करा रही हूँ, फिर मैं आपको आइडिया रेटिंग बताऊंगी। तो जो चेकलिस्ट मेथड था वो डेवलप किसने किया था, एचआर, प्रोफेसर एचआर हैमिल्टन ने। तो देखिए इस मेथड में बेसिकली क्या हुआ था, इस मेथड्स में यहाँ पे टोटल 9 करेक्टरिस्टिक्स देखी गई थी प्रोडक्ट की। 9 करेक्टरिस्टिक या आप 9 फीचर्स बोल सकते हैं, 9 फीचर्स यहाँ पे लिखे गए थे प्रोडक्ट के, और इन 9 फीचर्स के बेसिस पे प्रोडक्ट को, हर प्रोडक्ट को जज किया जाता था, ठीक है ना। यहाँ पे 9 फीचर्स के ऊपर यहाँ पे हम प्रोडक्ट को जज करते थे, और फिर यहाँ पे हम एक तरह से उनको वैल्यूज प्रोवाइड करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे 9 फीचर्स आपको दिए जाते थे, तो उसके बेसिस पे आप प्रोडक्ट को जज करके वैल्यूज यहाँ पे देते थे। तो कौन कौन सी प्रोडक्ट की 9 करेक्टरिस्टिक्स थी वो मैं अभी आपको बता देती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। इसके जो बुक की पिक है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, जिसमें से मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। अभी तो ये मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, तो आप मेरी लैंग्वेज में भी समझ के नोट्स बना सकते हैं अपने, वरना मैं आपको बुक की पिक आप शेयर करूंगी तब आप वहां से देख के आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जज किए जाते थे हर प्रोडक्ट को। कल को मैंने आपको बताया था ना कि मेरे पास 50 प्रोडक्ट के आइडिया जनरेट हुए हैं, उसमें से मैंने तो 40 रिजेक्ट कर दिए थे, 40 आइडियाज तो मैंने रिजेक्ट कर दिए थे। अब बचे थे 10, 10 आइडियाज बचे थे। अब इन 10 में से भी तो मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक एक ही तो मैं सेलेक्ट करूंगी, अब कैसे सेलेक्ट करूं। तो इन 10 में से कौन सा अच्छा आइडिया है, उसके लिए मेथड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। पहला मेथड है चेकलिस्ट मेथड। तो चेकलिस्ट में 9 फीचर्स, 9 करेक्टरिस्टिक्स देखी जाती हैं। कंपनी वाले 9 करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे अपना हर प्रोडक्ट को जज करते हैं, और जिस प्रोडक्ट की जो सबसे ज्यादा वैल्यू आती है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो देखिए इसकी टेबल वैसे बुक में बनी हुई है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ हम कैसे करते हैं। यहाँ पे ये लोग लिखते हैं साइड प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स, मैं आपको इसकी टेबल भी समझा देती हूँ। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, ठीक है, अगर स्पेस कम रहेगी तो फिर मैं उसे पेपर पे कर लूंगी। देखो पहला जो करेक्टरिस्टिक होता है वो होता है आपका सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम, फ्यूचर ग्रोथ और फ्यूचर ग्रोथ, फर्स्ट करेक्टरिस्टिक आपकी ये होती है। सेकंड होती है आपका टाइप एंड नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, कितने तरह के कॉम्पिटिटर्स हैं और कितने नंबर, कितने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है ना। तो दूसरा फीचर ये हो जाता है। थर्ड फीचर क्या होता है, थर्ड फीचर होता है आपका टेक्निकल, टेक्निकल अपॉर्चुनिटी, टेक्निकल अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, ठीक है। फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स जिसके बेसिस पे हम प्रोडक्ट को जज करते हैं वो होता है आपका पैटेंट प्रोटेक्शन, पैटर्न की प्रोटेक्शन कौन से प्रोडक्ट को है। हम इन 10 प्रोडक्ट, ये 10 प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे एक टेबल हम बनाते हैं। ये इस टेबल में हम 9 करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे पहले हम लिखते हैं, उसके बेसिस पे हर प्रोडक्ट के यहाँ पे जजमेंट करते हैं,
और जिस प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा वैल्यूज प्रोवाइड होती है, हम वो वाला प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, उस प्रोडक्ट आइडिया को हम सेलेक्ट करते हैं। फिफ्थ है आपका रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट। रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, अभी यहाँ पे ये पेपर भर गया, मैं पीछे आपको बता दूंगी। तो देखो यहाँ पे तो प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे होता है चेकलिस्ट, मतलब चेकलिस्ट मेथड हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे पहले तो होगा वेरी गुड, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। फिर होगा आपका गुड, फिर होगा आपका फेयर, फिर होगा आपका पुअर, और फिर होगा आपका वेरी पुअर। तो ये इसके हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। हम हर प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक यहाँ पे देखते हैं और फिर जिसकी हमें अच्छी लगती है करेक्टरिस्टिक, उसी हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यूज देते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट यहाँ पे अच्छा लगता है तो आप उसको वेरी गुड दे दोगे इस करेक्टरिस्टिक में। अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे वेरी गुड दे दोगे इस करेक्टरिस्टिक में। आपका वो वाला प्रोडक्ट गंदा लगता है तो आप वेरी पुअर दे दोगे, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पे रेटिंग चलती है, मतलब वैल्यूज हम प्रोवाइड करते हैं। अब जो सिक्स्थ है वो मैं पीछे लिख देती हूँ। जो सिक्स करेक्टरिस्टिक है, आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा हूँ, जो सिक्स करेक्टरिस्टिक है वो है आपका, वैसे बुक में ये गिवन है फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, अवेलेबल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, ठीक है। सेवेंथ है आपका पोटेंशियल, पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। एट्थ है आपका सिमिलर टू एग्जिस्टिंग बिजनेस, कितने ऐसे प्रोडक्ट आइडियाज हैं जो जो पहले हम पहले बिजनेस करते थे उससे बिल्कुल सिमिलर हैं, ठीक है ना, सिमिलर टू एग्जिस्टिंग बिजनेस। नाइन्थ एंड द लास्ट इज इफेक्ट ऑन प्रेजेंट प्रोडक्ट, कि कौन से प्रोडक्ट का जितने भी हमारे पास अभी प्रोडक्ट आइडियाज हैं उनका क्या असर पड़ेगा दूसरे प्रोडक्ट्स पे, ठीक है ना। तो टोटली 9 हो गए हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल 10 में से मैंने पहले एक प्रोडक्ट उठाया और उस प्रोडक्ट को सारे इन बेसिस के ऊपर, इन करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर इनको जज किया, जो 9 की 9 करेक्टरिस्टिक्स हैं इनके हिसाब से मैंने यहाँ पे उसको जज किया। तो अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जो प्रोडक्ट आइडिया था जो मैंने एक उठाया था वो था यहाँ पे क्लोथिंग का, तो कपड़े का प्रोडक्ट आइडिया हमारे पास आया था 10 में से, पहले मैं एक ही उठा रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक क्लोथिंग का आइडिया मिला था। उस क्लोथिंग के आइडिया को देखो, अगर मुझे वो क्लोथिंग का आइडिया इस वाली करेक्टरिस्टिक्स में अच्छा लगेगा, सेल्स वॉल्यूम एंड फ्यूचर ग्रोथ, तो मैं यहाँ पे वेरी गुड पे मार्क कर दूंगी, ठीक है ना। ये होता है चेकलिस्ट मेथड। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो यहाँ पे जो पॉइंट होता है, हाँ मैं आपको पॉइंट बताना भूल गई, अगर वेरी गुड होगा तो यहाँ पे आप 0.5 मतलब 5 पॉइंट दोगे, ठीक है ना। 0.5 पॉइंट नहीं है यहाँ पे, इन लोगों ने से लिख रखा है। अगर गुड होगा तो आप 4 पॉइंट दोगे, फेयर होगा तो आप 3 पॉइंट दोगे, पुअर होगा तो 2, वेरी पुअर 1, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो आपका जो कपड़े वाला जो प्रोडक्ट का आइडिया है, अगर वो इस वाली करेक्टरिस्टिक्स में अच्छा खरा उतरता है तो आप यहाँ पे 5 पॉइंट पे मार्क कर दोगे, मीन्स आपने उसको वेरी गुड दे दिया, 5 पॉइंट पे आप मार्क कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे हम सारी करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, हर प्रोडक्ट की देखेंगे, ठीक है। जिसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा होगा, जिस प्रोडक्ट का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा होगा हर करेक्टरिस्टिक्स में, और जिसको सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिल रहे होंगे, उस प्रोडक्ट आइडिया को हम सेलेक्ट करेंगे। देखो इसमें एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जो मैक्सिमम स्कोर होता है, देखो मैक्सिमम स्कोर आपको क्लियरली यहाँ पे दिख जाएगा, 9 तो हमारी करेक्टरिस्टिक्स हैं और 5 हमारे यहाँ पे टोटल पॉइंट्स हैं, हाईएस्ट पॉइंट 5 है। तो इसमें जो मैक्सिमम पॉइंट, जो मैक्सिमम स्कोर होगा जो एक प्रोडक्ट अचीव कर सकता है वो होगा आपका, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मैक्सिमम स्कोर।
जो मैक्सिमम एक तरह से स्कोर पॉइंट होगा वो होगा आपका 45 पॉइंट्स, ठीक है, जो एक प्रोडक्ट को मिल सकते हैं। 45 कैसे, 9 करेक्टरिस्टिक इंटू 5 आपके रोज, मतलब जो आपकी जो स्केल्स वैल्यू है, ठीक है, तो 45। और जो आपका मिनिमम होगा, मिनिमम स्कोर पॉइंट जो सबसे कम किसी को मिल सकता है किसी प्रोडक्ट को, वो होगा आपका 9 पॉइंट्स, ठीक है, जो बिल्कुल ही जो सब में वेरी पुअर लेके आ रहा है। तो वेरी पुअर में कौन सा रेटिंग है, 9:1 है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। फिर ये देखो, हम ग्रीन सिग्नल कौन से प्रोडक्ट को दे सकते हैं। देखो, कोई जरूरी नहीं है कि हर मतलब कोई प्रोडक्ट ये इतना पॉइंट अचीव कर पाए, ठीक है। तो हम गो अहेड किसको बोलेंगे, गो अहेड एक यहाँ पे हम लाइन बोलते हैं, जब वो प्रोडक्ट सेलेक्ट होता है हम बोलते हैं गो अहेड अहेड, ठीक है ना, कि वो प्रोडक्ट आगे जा सकता है। हम उसको बोलेंगे जिसका टोटल स्कोर एक्सीड हो, जिसका टोटल स्कोर एक्सीड करता हो, एक्सीड 227 पॉइंट्स, मींस जो प्रोडक्ट का स्कोर, जिस प्रोडक्ट का स्कोर 27 पॉइंट से ज्यादा होगा, उस प्रोडक्ट आइडिया को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस सिंपल से एक छोटा सा आपका चेकलिस्ट मेथड है। तो देखो, इसका जो मेन ड्रॉबैक है, इस मेथड का जो मेन ड्रॉबैक है, आई होप आपको दिख रहा हो, जो मेन ड्रॉबैक है इस मेथड का वो ये है, ये बायस, यहाँ पे बायस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। 100% मेथड ये ज्यादातर बायस होता है। क्यों होता है, देखो यहाँ पे जो पॉइंट जो एक यहाँ पे जज कर रहे हैं प्रोडक्ट को, जो यहाँ पे चेकलिस्ट कर रहे हैं, जो यहाँ पे वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट को, मतलब प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, वो लोग यहाँ पे धोखाधड़ी कर सकती हैं, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा जजमेंटल हो सकते हैं, उनका जो जजमेंट है वो बहुत ज्यादा बायस हो सकता है, मीन्स वो भेदभाव यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस वजह से इस वाले जो मेथड को बोला जाता है, वो ज्यादातर इसका यही मेन रीजन है। इसको इस मेथड को ठीक इसलिए नहीं बोल सकते हम, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बायस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस मेथड का सबसे मेन ड्रॉबैक है बायसनेस, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा बायस हो जाते हैं, जो एक तरह से एनालाइज करते हैं, जो मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं वो यहाँ पे गलत धारणाएं बनाते हैं, और वो गलत हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज जो ये होती है आपकी, जो ये वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, ये गलत वैल्यूज प्रोवाइड कर देते हैं, ये लोग भेदभाव करते हैं, ठीक है। तो इसी ड्रॉबैक की वजह से, इसी ड्रॉबैक की वजह से एक नया मेथड इन लोगों ने बनाया। इसी ड्रॉबैक की वजह से जो चेकलिस्ट का जो मेथड है उसका ये जो ड्रॉबैक है, जो मेन ड्रॉबैक है, इस ड्रॉबैक को हटाने की वजह से इन लोगों ने एक मेथड और बनाया, जिसका नाम है आइडिया रेटिंग मेथड। आइडिया रेटिंग मेथड, ठीक है। तो आइडिया रेटिंग मेथड जो है वो इम्प्रूवमेंट है चेकलिस्ट का, जो आइडिया रेटिंग मेथड है वो इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट है वो किसका, चेकलिस्ट मेथड का। तो मुझे लग रहा है क्लास लंबी जा रही है, तो मैं आपको ये आइडिया रेटिंग मेथड में ये मैं आपको कल की क्लास में करवाऊंगी। आई होप आपको ये चेकलिस्ट मेथड आपको समझ में आया हो, जो मैंने ये आज आपको पढ़ाया है चेकलिस्ट मेथड, आई होप आपको समझ में आया हो। इस वाले सेक्शन की मैं आपके साथ बुक की पिक शेयर कर दूंगी, वैसे मैंने यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ बुक की पिक शेयर इसलिए करती हूँ, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो वो आराम से यहाँ से कर सकता है, क्योंकि हमें देखो एक रिटन कंटेंट हमें चाहिए होता है जिससे हम नोट्स बना सकते हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसकी भी बुक की पिक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी।
आई होप आपको आज का टॉपिक काफी अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक ले बाय।